नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जब भी आपके मन में बिहार घूमने का ख्याल आए और आपके द्वारा बनाए गए पर्यटन स्थलों की सूची में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटकों को अपनी ओर काफी लुभान्वित करता है। प्रकृति की गोद में बसी ये VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की फिजाएं भला किसे पसंद नहीं आएंगी। यहाँ पर्यटन के दौरान एनिमल्स लवर को बाघों का दीदार सबसे ज्यादा खास लगता है और अपनी ओर आकर्षित भी करता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पटना से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैसे जाए ये बताएंगे और वहाँ की सैर करवाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि आपके लिए यहाँ क्या खास है जो आपके वैकेशंस में चार चांद लगाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजधानी पटना से बस सेवा और निजी गाड़ी से कैसे वाल्मीकि नगर पहुँचा जाए। यदि आपके पास निजी गाड़ी या बाइक है तो आप इसके जरिए भी VTR जा सकते हैं। पटना से VTR की दूरी लगभग 290 किलोमीटर पड़ेगी। वहां जाने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। आपको बता दें कि पटना बस स्टैंड से रात के समय सीधे VTR के लिए 1 से 2 बसें चलाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी कम बस चलने के कारण सीटों की उपलब्धता कम होती है। इसलिए अगर आप वहां बस से जाना चाहते हैं तो पहले ही टिकट की बुकिंग करवा लें। इसके अलावा आप टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के द्वारा सीधे पटना से VTR जाने के लिए गाड़ी की भी बुकिंग करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजधानी पटना से रेलवे रूट द्वारा कैसे VTR पहुंचा जाए। जब आप पटना से VTR के लिए जाते हैं तो पाटलिपुत्र जंक्शन या पटना जंक्शन से अयोध्या कैंट एकमात्र ट्रेन है जो आपको वाल्मीकि नगर ले जाएगी। इस ट्रेन का समय रात में 7:40 पर है और यह आपको 12:38 पर रात के समय पहुँचाती है। इसके अलावा आप नरकटियागंज से भी वाल्मीकि नगर जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको पाटलिपुत्र जंक्शन या पटना जंक्शन से नरकटियागंज के लिए ट्रेन लेना होगा। नरकटियागंज इंटरसिटी एक्सप्रेस मिल जाएगी। इसका समय शाम के 5:10 पर है। इसके अलावा अयोध्या कैंट भी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर के लिए कई ट्रेनें खुलती हैं। सबसे पहली ट्रेन सुबह 5:40 पर गोरखपुर एक्सप्रेस है। यह ट्रेन आपको सुबह 7 बजे तक पहुँचा देगी। इसके अलावा नाका जंगल एक्सप्रेस है। इसका समय रात में 7:20 पर है और यह ट्रेन आपको रात के 9 बजे तक पहुँचा देगी। फिर रात के समय में 11:45 पर गोरखपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है। यह ट्रेन आपको रात के समय 1:18 तक पहुंचाती है। अब नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर जाने वाली आखिरी ट्रेन अयोध्या कैंट है। यह आपको 12:38 पर पहुंचाती है। जब आप वाल्मीकि नगर रोड पहुंचते हैं तो यहां से आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जाने के लिए गोल चौक जाना होगा। गोल चौक के लिए आपको स्टेशन से ऑटो या गाड़ी आसानी से मिल जाएंगे। फिर यहाँ से वाल्मीकि नगर रिजर्व की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको ऑटो या गाड़ी से आसानी से जा सकते हैं। आप स्टेशन से सीधे VTR भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑटो या गाड़ी बुक करनी होगी। VTR कैसे पहुँचे इसके बारे में तो हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली, पर अब हम बात करेंगे वहाँ जाने के बाद कौन सी वो जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले हम इस क्षेत्र से आपको अवगत करवा दें। वाल्मीकि नगर UP और बिहार बॉर्डर से सोगिबरवा वन्य जीव प्रभाग के शिवपुर यूनिट के सीमावर्ती इलाके में पड़ता है। साथ ही साथ इसकी सीमा नेपाल को भी छूती है। यह भारत के प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। लगभग 880 किलोमीटर के रेंज में इसका जंगल फैला हुआ है, जिनमें से 530 किलोमीटर का क्षेत्र व्याघ्र परियोजना के लिए आरक्षित है। यह जंगल विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे और वन्य जीवों से भरा हुआ है। VTR अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि आपके वैकेशंस या पिकनिक स्पॉट और शूटिंग के नजरिए से VTR एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ से पर्वत श्रृंखला का दीदार हमें अपनी ओर मोहित करता है। यहाँ से गुजरने वाली गंडक नदी इसके हसीन वादियों में 4 चांद लगाती है। वैसे तो यहाँ बहुत से वन्य जीव दिखते हैं, लेकिन पर्यटकों के बीच बाघों को देखने के लिए एक अलग सा कौतूहल और रोमांच रहता है। कई बार तो इन बाघों को बघा वाल्मीकि नगर के मुख्य पथ पर सड़क के बीचों बीच भी देखा जाता है। यहाँ के जंगलों में झरने, नदियों के दलदल और प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता आपको एक अनूठा एहसास करवाती है। आप यहाँ ट्री हट के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का मजा और भी करीब से ले सकते हैं। आप इसके अलावा कैनोपी वॉक, जटाशंकर टेम्पल, गंडक बराज, कौलेश्वर झूला, नर देवी मंदिर, मदनपुर देवी स्थान और वाल्मीकि आश्रम के यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट हैं, वहाँ घूम सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए आपको जंगल के बीच में गंडक नदी के तट पर होटल और जंगल कैंप में बंबू हट जैसे कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।